नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 5 समीकरण संख्या द्विघात समीकरण का पार्ट 4 करेंगे, जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्न सरल किए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं द्विघातीय समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण ax2 + bx + c = 0, जिसमें a, b और c वास्तविक हैं तथा a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल। द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से ज्ञात किए जा सकते हैं। और श्रीधर आचार्य सूत्र है हमारे पास में x - b + √(b²-4ac)/2a। इस सूत्र का उपयोग हमने 10वीं क्लास में भी किया था, लेकिन वहां हमने एक स्थिति जब b²-4ac का मान 0 से छोटा था, उस स्थिति में हमने कहा था कि समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं है। आज हम उसी स्थिति को हल करेंगे और समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 5.3 के प्रश्न, और जिसमें कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए। यहाँ हमारे पास में कुछ समीकरणें दी गई है और इन समीकरणों को हम द्विघाती सूत्र से सरल कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया गया x²+3, इसे हम अन्य विधि से भी सरल कर सकते हैं। कहा गया हमें इस समीकरण के अंदर x²+3 = 0, तो हमने इसे सरल कर लिया, x²-3 आ गया और वर्गमूल लेकर x = ±√(-3। और जब भी अंडरूट के अंदर माइनस की राशि आती है तो हम आइटा प्रयोग मिलाते हैं माइनस हटा के, तो x = ±√(3). ये इस समीकरण का हल हो चुका है। हम आगे ज्ञात करते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें कहा गया है 2x² + x + 1 = 0। ये हमारे पास एक द्विघाती समीकरण है। हम इस द्विघाती समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से कर लेते हैं। तो हम यहाँ पाते हैं कि a x² का गुणांक है और b x का गुणांक और c अचर पद। तो यहाँ तुलना करने पर a = 2 और b = 1 और c = 1। अतः द्विघाती सूत्र हमारे पास में है -b + √(b²-4ac)। इस सूत्र के अंदर हम a, b और c के मान रखेंगे। तो x = b का मान हमारे पास में 1 है, तो हमने यहाँ 1 रखा और +√(b²-4ac), ठीक है। तो ये मान रखने पर अपॉन में 2a और a का मान 2 है, वो हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। सरल करने पर हम पाते हैं x = -1 + √(-7), ठीक है। तो इस चीज़ को जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास में ये 4 × 2 = 8 बना, माइनस का और प्लस का 1 है, तो ये बचेगा -7, ठीक है। क्योंकि अंडरूट में माइनस आया है तो हम इसे आइटा से व्यक्त करेंगे, तो x = -1 + √(√)7/4, ठीक है, जो कि इस समीकरण के मूल हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है x²+3x + 9 = 0। इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर a = 1 और b = 3 और c = 9, ठीक है। ये हमारे पास में ए, बी और सी के मान प्राप्त हो गए। अतः द्विघाती सूत्र x = -b + √(b²-4ac)/2a। इसके अंदर ए, बी और सी की वैल्यूज पुट करने पर हम पाते हैं x = -3 + √(3²-4×1×9, ठीक है। ए, बी और सी की वैल्यूज रखते अपॉन में 2a और a का मान 1 है, तो हमारे पास में इसे आगे सरल करने पर हम पाएंगे कि -3 + √(-27)/2। ओके, हम इसे आगे गुण इसका वर्गमूल लिख सकते हैं, 27 का 3√3 और -1 है, उसको हम लिख सकते हैं आइटा। तो ये हमारे पास में अभीष्ट आंसर आ गया इसका, x = -3 + √(3)/2, जो कि अभीष्ट समीकरण के मूल हैं। इसी प्रकार के हमारे पास में क्वेश्चन संख्या 4, 5 और 6 है। द्विघाती सूत्र से आप इन प्रश्नों को सरल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अलग क्वेश्चन हैं जिन्हें हम आगे सरल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन संख्या 7, जिसमें कहा गया है √(2x²+x√)2 = 0। इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर a = √(2) और b = 1 और c = √(2). और अतः द्विघाती सूत्र x = -b + √(b²-4ac)/2a। a, b और c की वैल्यू रखने पर
हम पाते हैं x बराबर माइनस का एक प्लस माइनस अंडरूट एक का स्क्वायर माइनस चार अंडरूट दो के गुना के अंदर है अपॉन में दो अंडरूट दो। इसे आगे सरल करने पर हम पाएंगे x बराबर माइनस का एक प्लस माइनस अंडरूट माइनस का सात अपॉन में दो अंडरूट दो, और इसे हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस एक प्लस माइनस आइटा अंडरूट सात बटा में दो अंडरूट दो। ठीक है, यही हमारा अभीष्ट आंसर है। आगे आठवां क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है अंडरूट तीन एक्स स्क्वायर माइनस अंडरूट दो एक्स प्लस तीन अंडरूट तीन इज इक्वल टू जीरो। इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से करने पर ए बी और सी के मान हमारे पास में अंडरूट तीन माइनस का अंडरूट दो और तीन अंडरूट तीन प्राप्त होते हैं, जिन्हें द्विघाती सूत्र में प्रयोग करने पर हमारे पास में x इज इक्वल टू अंडरूट दो प्लस माइनस अंडरूट दो का स्क्वायर माइनस चार अंडरूट तीन तीन अंडरूट तीन बटा में दो अंडरूट तीन। जिसे सरल करने पर हम पाते हैं x बराबर अंडरूट दो प्लस माइनस अंडरूट दो माइनस छत्तीस अपॉन में दो अंडरूट तीन, और आगे सरल करने पर हम पाएंगे अंडरूट दो प्लस माइनस, और ये अंडरूट माइनस का चौंतीस बनेगा तो माइनस आने के कारण हमने आइटा लिखा यहाँ, और अंडरूट का 34 अपॉन में दो अंडरूट तीन, जो कि हमारा अभीष्ट आंसर है। लेकिन हम यहाँ से अंडरूट दो कॉमन भी ले सकते हैं। अंडरूट दो हमने यहाँ से कॉमन लिया तो देखिएगा यहाँ तो हमारे पास में एक बचा, और अंडरूट दो यहाँ से कॉमन आने के पश्चात अंडरूट का 17 बचेगा। अब ये अंडरूट दो इस दो से कैंसिल हो सकता है तो अंश में बचेगा हमारे पास में एक प्लस माइनस आइटा अंडरूट 17 अपॉन में ये अंडरूट दो यहाँ से कैंसिल होने पर अंडरूट दो बना, और अंडरूट दो और अंडरूट तीन का मल्टीप्लाई होकर ये हो गया अंडरूट का 6। ठीक है, जो कि हमारा अभीष्ट आंसर है। आपकी पाठ्य पुस्तक में अभीष्ट हल यहाँ तक किया गया, हम इसे आगे भी सरल कर सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक बटे अंडरूट दो इज इक्वल टू जीरो। इस समीकरण को सरल करने के लिए हम अंडरूट दो का पूरी समीकरण से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हर के अंदर हमारे पास में अंडरूट दो प्राप्त है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो समीकरण को अंडरूट दो से गुणा करते हैं। तो अंडरूट दो एक्स स्क्वायर प्लस अंडरूट दो एक्स प्लस एक ये इज इक्वल टू जीरो, ये हमें प्राप्त होगा। यहाँ हम ए बी सी की तुलना करने पर ए और बी और सी के मान प्राप्त कर लेते हैं। ए और बी सी के मान आकर हम इस द्विघाती समीकरण में रखते हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है x इज इक्वल टू माइनस का अंडरूट दो प्लस माइनस अंडरूट दो का स्क्वायर माइनस चार अंडरूट दो गुना एक अपॉन में दो अंडरूट दो। इसे सरल करने पर हम पाते हैं x इज इक्वल टू माइनस का अंडरूट दो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दो माइनस चार अंडरूट दो अपॉन में दो अंडरूट दो। यहाँ से हमारे पास दो कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो हम दो कॉमन लेंगे तो अंडरूट से बाहर अंडरूट दो आएगा, और अंडरूट दो यहाँ भी पड़ा है, अंडरूट दो पूरी इक्वेशन से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, यहाँ तो एक बच जाएगा, और यहाँ अंडरूट दो कॉमन आने के कारण होगा मेरे पास में एक माइनस दो अंडरूट दो, क्योंकि ये राशि बाद वाली बड़ी होगी तो मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेने के कारण अंडरूट में माइनस है मेरे पास में, तो यहाँ आ जाएगा आयटा और अंदर आ जाएगा दो अंडरूट दो माइनस एक बटा में दो। ठीक है, जो कि हमारा अभीष्ट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन और टेंथ क्वेश्चन है एक जैसे हैं लगभग, और आप इस टेंथ क्वेश्चन को स्वयं हल करें। आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। निर्माणकर्ता दीपक मित्तल, व्याख्याता गणित, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सादिल शहर।